थैंक यू मेरे कहने पे आपने ये सवाल पूछा। आपके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर हैं, ये हमारा एसेट है, हमारी कंट्री का, हमारे देश का। लेकिन इनकी फैमिली का रिएक्शन जरूर था आमिर भाई की, बोले ट्रेलर लॉन्च पे आप तो अपने पे नहीं जाते तो किसी के। आमिर सर, वांटेड टू से समथिंग। सो आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर एंड आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस कपिल। थैंक यू आमिर भाई। और आपने मुझे कभी शो पे नहीं बुलाया, ये यार ये गलत बात हो गई। देखो इससे पहले कि वो पूछे मैं ही बोल देता हूं। ये जो कैरी ऑन जट्टा फिल्म है जी, हमारे करियर जो है इसी फिल्म से शुरू हुए हैं, तो ये टीम हम आज सभी पंजाबी के इतने बड़े फिल्में बड़ी बनने लगी, सब आर्टिस्ट भी अच्छे हो गए पंजाबी के हिसाब से, तो इस फिल्म के लिए किसी को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि ये फिल्म हमारी एक जिम्मेवारी है, हमें अच्छी बनानी चाहिए, सबको एफर्ट करनी चाहिए, मतलब कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, मतलब आज भी आप, क्योंकि आर्टिस्ट के ना फेस से पता चल जाता है कि वो फिल्म को कितना अपना इनपुट देना चाहता है, कितना नहीं देना चाहता है। सो सारी टीम तीन दिन से बॉम्बे बैठी है, हमारा जोर लगा हुआ है कि पाजी को हमने रिक्वेस्ट की कि आप आओ क्योंकि फिल्म पैन इंडिया लेके जाए जी, तो बहुत एफर्ट किया, किसी को मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सबने अपने आप को खुद ही। मैंने कहा भी इतने सुपरस्टार इकट्ठे कर लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो ये तो वैगी भाइयों वाली बात होगी आप सबकी। वैसे तो मुझे लग रहा है कि कपिल यहाँ पे है, शर्मा जी ये जिम्मेदारी आप 10 साल से निभा रहे हैं टीवी पे, तो अगर एक आधा सवाल आप ही कर ले तो मैं, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा हो जाए। मैं चेक ही करने आया, तू ठीक कर रहा है कि नहीं, ताकि यार यहाँ भी तो मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा हुआ ये लेट आया, वरना मैंने पहले चेक कर लेना इसने। सिनेमा कोई भी हो, सिनेमा की कोई एक भाषा एक जबान नहीं होती, सिनेमा सिर्फ सिनेमा होता है। हिंदुस्तान में देश में कोई भी सिनेमा आगे बढ़ता है तो पूरे देश का सिनेमा आगे बढ़ रहा है, ये बात हम हमेशा याद रखेंगे, तो सारा सिनेमा आगे बढ़ता रहेगा। और आज इससे पहले कि मैं अपनी स्टार कास्ट के साथ आपका तारुफ कराऊं, बाकी सबके साथ दो बातें करूं, मैं मेरा दिल सबसे पहले ये कह रहा है कि मैं हम सब की तरफ से जितना दिल हम सब लोगों का इकट्ठा करके एक ही बनता है ना, उसकी आखिरी तह में जाके मैं आमिर खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर आपने आके हमें आज बड़ा कर दिया, मैं वास्तव मैं आई मीन इट सर, क्योंकि जब पंजाबी सिनेमा का नया दौर शुरू हुआ था 2003 में, मनमोहन सिंह जी ने पहली पिक्चर बनाई थी, मनमोहन जी जो सिनेमेटोग्राफर जिन्होंने बेताब से लेके दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक सारी सिनेमेटोग्राफी की है, मनजी ने, हाँ जी, तो मनजी ने पहली पिक्चर बनाई थी जिया अनु, हमने वो शुरू की थी, तो हमारी 12 या तो मैं उसमें पिक्चर में मेरा डेब्यू था, 12 या 14 स्क्रीन्स पे हम लोग लगे थे और हमें लगा था कि पंजाबी सिनेमा बन गया, पैदा हो गया। लेकिन आज मुझे लगता है कि हम 12 स्क्रीन्स के बाद, मुझे लगता है हम लोग कम से कम, नहीं तो आज सानी साहब करेक्ट करेंगे मुझे, हम लोग कोई 40 मुल्कों में लग रहे हैं, बहुत बड़ी बात होगी ये हमारे लिए। और आमिर साहब आपका आना इस बात की तस्दीक है कि पंजाबी सिनेमा वास्तव में ग्रो कर रहा है, क्योंकि आपके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूँ, ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर हैं, ये हमारा एसेट है, हमारी कंट्री का, हमारे देश का। क्योंकि एक्टर जब तक एक्टर रहता है तब तक वो अपने परिवार के लिए सोचता है, लेकिन एक्टर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है तो पूरे देश के लिए सोचता है। जो कंटेंट आपने दिया है सदियों तक आपको याद रखा जाएगा आमिर साहब। एक्टर बन के पैसे बना लेने बहुत आसान होते हैं, आपके हिस्से में ये आया है, सिर्फ आपके हिस्से में, कि आप किसी सब्जेक्ट पर बात कर सकते हैं, हालांकि आपके बगल में वो भी खड़े हैं कपिल जी, जो किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं। ये मेरा छोटा भाई यार, इसने इतना हमारा मान बढ़ाया है पंजाब का, लोगों को लगता था कि ये शायद बफूनरी करने वाले लोग होते हैं, शायद ये सिर्फ आहू आहू करना आता है इनको, शायद ये लस्सी मांगते हैं, सिर्फ मक्की की रोटी सरसों के साग के साथ ये खाते हैं। लेकिन कपिल ने आके ये बताया पूरे देश को और पूरे वर्ल्ड को कि कॉमेडी की बारीकी क्या होती है, छोटी सी महीन सी बात कैसे निकलती है और कितना बड़ा इम्पैक्ट रखती है। सो कपिल
तुम्हारा भी यहाँ आना आज हमारे लिए बहुत अहोभाग्य हमारा, बहुत हम इस चीज़ पे फख्र महसूस करते हैं कि आप हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और आपने हमारी स्टेट में पूरे देश का विश्वास बढ़ाया है कि ये लोग सिंसियर होते हैं, मेहनती होते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। पंजाबी के लोग जो हम पंजाबी बोलने वाले हैं पंजाब के, वो हिंदी को भी उतने ही अच्छे से समझते हैं, प्यार करते हैं कि उनको कभी लगा नहीं कि ये सिनेमा हमारा नहीं है, तो हिंदी को ही प्यार करते रहे वो, और करना भी चाहिए, बहुत अच्छा सिनेमा है हमारा। लेकिन रीजनल सिनेमा कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रहा था। तो आज एक बहुत बड़ा क्रेडिट मैं गिप्पी गरेवाल को भी देना चाहूँगा कि गिप्पी ने आज एक नया आयाम दिया है पंजाबी सिनेमा को, कि हम लोग आज जहाँ इसको शूट करने के लिए कभी कनाडा, कभी यूके और डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा लॉन्च देना पंजाबी, ये पंजाबी पिक्चर का लॉन्च नहीं है, पंजाबी सिनेमा का एक इंटरनेशनल लॉन्च है। और वाकई पिक्चर बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और सबसे खूबसूरत जो हमारी हीरोइन अभी पंजाबी सिनेमा की जो सबसे ज़्यादा और सबसे खूबसूरत ही नहीं है, खूबसूरत काम भी कर रही हैं। तो आपको कैसे पता मैं आपकी बात ही करने वाला नहीं, आपके मतलब अभी मैंने शुरू ही किया तो फिर आप ही की तो बात हो सकती है ना, और किसकी हो सकती है ना। सोनम बाजवा हमारी बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट पंजाबी की, और अब तो कविता जी ने हमारे साथ इतना काम कर लिया पंजाबी पिक्चरों में, इनके हस्बैंड आए हैं साथ में, वो बता रहे थे कहते सारियाँ गालियाँ मैंने पंजाबी से कट दी है उन्होंने, मतलब सारी गालियाँ पंजाबी में देती हैं अब घर में उनको। तो इन्होंने भी कमाल का काम किया है, और मैं अगर हमारे सबसे सीनियर जसविंदर भल्ला जी, तो इन पंजाबी कैसेट्स आते थे हमारे छोटे छोटे, और ये कैसेट से इनका रादर दूरदर्शन से शुरू करके इन्होंने कैसेट कल्चर से आगे फिर टीवी और उसके बाद फिल्मों में पंजाबी कॉमेडी को एक ऐसा मकाम दिया है कि हम भी इनको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गए। क्या ये फॉल्स चीजें फैला रहा है मेरे एक्चुअली मैं जेन्युइनली बताऊं कि जब मैंने बताया भी अपनी टीम को, पीयर वालों को, कि आमिर भाई आएंगे, तो उन्होंने वापस जाके मेरे मैनेजर विनोद जी को कंफर्म किया कि आप कंफर्म कर लीजिए, हम मीडिया को अपडेट नहीं करेंगे कि वो नहीं आएंगे। विनोद जी मुझे बोलते कि भी सर आएंगे, मैं कहा हाँ, कहता वो बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे, मैं कहा उनकी बात हुई है या मेरी बात हुई है, मतलब सीरियसली मैं बताऊं, मैंने इनको एक मैसेज ड्रॉप किया एंड मैं उस टाइम छुट्टियों पे था मैक्सिको, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं कहते अभी इज दिस अ राइट टाइम टू कॉल, मैं कहा हाँ जी पाजी, तो तभी इनका कॉल आया, कहते हाँ बता कब करना है, मैं कहा पाजी ऐसे ऐसे आप बताओ कौन सी डेट है, इन्होंने बोला कि तू बता कौन सी डेट है, जिस डेट को बोलेगा कर लेंगे। और जेन्युइनली मैंने अपनी टीम को बताया कि बाजी आएंगे, वी आर सो हैप्पी, और बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि क्योंकि जिस आमिर को मैं जानता हूँ शायद आप पता नहीं तो किसी और को जानते हैं, मतलब मेरे साथ तो जब से हैं, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और पंजाब आते हैं, जब हमारे घर आते हैं, वहाँ बैठते हैं, क्योंकि मैं इनको, मेरे लिए ये बड़े भाई हैं, मतलब हमने इनको बचपन से देखा है पिक्चरों में, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सीखी हैं वो मतलब मैंने फिल्मों में इनसे नहीं सीखा, इनको जब मिलता हूँ, इनसे बात करता हूँ, तो तब मुझे पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है, कैसे रहना चाहिए। क्योंकि स्टार, जैसे कुकी भाजी ने बोला कि कोई भी आर्टिस्ट बन जाता है, इतना हम्बल मैंने अपनी जिंदगी में कोई बंदा नहीं देखा जितने बाजी है। और सर वैसे गिप्पी जी ने बताया था कि इनका रिएक्शन तो पता नहीं क्या था, लेकिन इनकी फैमिली का रिएक्शन जरूर था आमिर भाई की, बोले ट्रेलर लॉन्च पे आप तो अपने पे नहीं जाते तो किसी के। आमिर सर वांटेड टू से समथिंग, बट आई हैव टू से दैट गिप्पी इज लाइक फैमिली, वो परिवार की तरह है, तो उसका एक मैसेज आया और मैंने बोला डेट बता दो यार, मैं कब आना है मुझे बस। आपको खुद पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ, इत्तेफाक की बात है, मतलब मैं किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो मैंने ना कैरी ऑन जट्टा 1 देखी ना 2 देखी, लेकिन अभी जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैंने फ़ौरन ट्रेलर जब फर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ, मैंने उसको पता है नाउ आई नो कि 1 और 2 क्यों इतनी हिट हुई, क्योंकि इतना एंटरटेनमेंट मुझे मिला इस यू नो 2.5-3 मिनट के ट्रेलर में, इट वॉज सो एंटरटेनिंग दैट आई फेल्ट कि मुझे देखनी है फिल्म। तो आई थिंक ये फिल्म यकीनन बहुत कामयाब होगी, और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म के साथ आप एक ऑल इंडिया अटेम्प्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, कि ये पंजाबी फिल्म जो है वो देश भर में लोग देखें, और मैं देश भर के सारे लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ ये फिल्म जो है आप देखिए, बहुत ही एंटरटेन करेगी आपको, दिस इज़ अ सुपर हिट सीरीज एंड आई थिंक दैट इट इज़ टाइम फॉर पंजाबी सिनेमा टू गिव एन अपॉर्चुनिटी एंड वी शुड ऑल कम फॉरवर्ड टू गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू पंजाबी सिनेमा। कपिल एंड मी डूइंग अ फिल्म टुगेदर, अरे आई वुड लव दैट यार कपिल। ये तो बढ़िया, हाँ
वही मैं पूछ रही थी कि I would love that. आप परफेक्शनिस्ट हैं और वो हम लोग के सबके दिलों के मतलब बादशाह है कॉमेडी के लिए. मेरे भी दिल के राजा हैं. I would love to do. थैंक यू वेरी मच. और थैंक यू मेरे कहने पे आपने ये सवाल पूछा. एक डांस स्टेप कर पा. मैं बहुत आज खुश हूँ कि आज यहाँ पे ट्रेलर लॉन्च हो रहा है. सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद. और सो गुड टू सी आमिर भाई कि आप पंजाबी सिनेमा. अरे मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कपिल के बारे में. मैं एक्चुअली इसको दो तीन दिन पहले फोन करके मैंने उसको बोला. दो हफ्ते हो गए, तीन हफ्ते हो गए. एक्चुअली मैं आजकल काम वाम कम कर रहा हूँ, फैमिली के साथ ज्यादा हूँ. तो शाम को मैं कुछ ना कुछ कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है देखना. तो हर रात को मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ सोने से पहले. तो पिछले कई महीनों से मैं कपिल का शो देखता हूँ और मैं इतना बड़ा फैन हो गया हूँ इनका. तो मैं मतलब आपने देखा होगा सबसे ज्यादा मैं मुस्कुरा रहा था जब वो आए. लव यू आमिर भाई. आपने अब तो इतने मेरी इतनी शामों को इन्होंने रंगीन बनाया है. तो इतना हंसा हूँ मैं, इतना एंटरटेन हुआ हूँ. तो मैंने कुछ एक दो हफ्ते पहले मैंने फ़ोन करके बोला कपिल जी से कि थैंक यू सो मच, आप इतना एंटरटेन करते हैं लोगों को. ये इतना बड़ा काम है लोगों का दिल बहलाना. सो आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर एंड आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस कपिल. थैंक यू आमिर भाई. और आपने मुझे कभी शो पे नहीं बुलाया, ये यार ये गलत बात हो गई. देखो इससे पहले कि वो पूछे मैं ही बोल देता हूँ. भाई आप आए से एक कदम आगे हूँ मैं. हमारा सौभाग्य होगा जिस दिन आप आओगे. और मैंने बहुत बार जब भी आमिर भाई से कभी मुलाकात हुई हमेशा भीड़ भाड़ में हुई. तो मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किया आमिर भाई को. तो बोलते ठीक है मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, वापस आके बात करते हैं. कट टू सीधा तीन साल बाद मिलते हैं. सो आप आएंगे तो मैं 100% आऊंगा. लेकिन मैं एक और चीज बोलता हूँ, आप क्या मेरी रिलीज के टाइम पे आप मुझे बुलाते हैं. नहीं 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 उसके लिए मुझे रिलीज के लिए नहीं आना है, मुझे आप ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए बोला. डेफिनेटली डेफिनेटली आमिर भाई. और आप सब देख ही रहे हैं कि इनका ह्यूमर कितना मजेदार है. जब आमिर भाई आएंगे तो बड़ा मजा आएगा. खैर आज मैं इस फिल्म की बात कर रहा हूँ तो बहुत बहुत मुबारक सारी टीम को. और क्योंकि ये टीम मेरे लिए बहुत खास है, मेरे परिवार की तरह है. और कुकीपा जी मेरे टीचर रहे हैं कॉलेज के टाइम से, जब हम लोग थिएटर करते थे तो मैंने इनसे सीखा है. पल्ला साहब इनको हम लोग सुनते रहे ऑडियो कैसेट और ये सब. और गिपी पाजी भाई हैं, समीप पाजी, उनके उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है. जैसे कुकी पाजी ने कहा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं. हर आर्टिस्ट की शायद हिस्ट्री में ऐसा होता है. और मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं. और मैंने कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट जो थी रिलीज से पहले देखी थी, जब समीप पाजी ने गिपी पाजी ने यहाँ पर प्रीमियर रखा था. तो मैंने फिल्म देख के बोला, मैंने कहा आपकी फिल्म बड़ी सुपर डुपर हिट है जी. पहली बार आपको याद होगा समीपा जी. और ऑब्वियसली फिर दुनिया ने इतना प्यार दिया और अभी ये इस फ्रेंचाइज का तीसरा पार्ट जो है आ रहा है. और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं. और बस थैंक यू सो मच, आप इसको और लोगों तक पहुंचाएं और बताएं लोगों को. ताकि जैसे पाजी ने पहले कहा कि हम लोग पहले ना बड़ी सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको शायद जैसे कोई बोलता है कि अच्छा ये साउथ का सिनेमा आ रहा है या पंजाबी का सिनेमा. जब हमारी कोई रीजनल सिनेमा से जाके फॉर एग्जांपल जैसे आरआरआर अगर ऑस्कर में जाती है तब हम कहते हैं हमारी इंडियन मूवी है. सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में जो भी फिल्म बन रही है वो हिंदुस्तानी मूवी है. ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. और जो भी क्रिएटिव आदमी होता है, कोई अच्छा राइटर, कोई अच्छा डायरेक्टर, कोई अच्छा एक्टर, वो कहीं किसी भी जगह पैदा हो सकता है. हमारे देश में तो ऊपर वाले का इतना हाथ है. सो इतना टैलेंट है और मुझे लगता है कि अच्छा सिनेमा है वो जो हमेशा ही उसको प्रमोट होना चाहिए. और इसके लिए मैं एक बार फिर से आमिर भाई आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप इस फिल्म के लिए आगे आए. और बाकी बस बाकी आप लोगों के हाथ में है. आमिर सर, एक्चुअली या आमिर, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे कहानी पसंद आनी चाहिए. और अगर वो एक दूसरे भाषा में है बट आई रियली लव इट, फिर मैं भाषा सीख के करूँगा मैं. आई थिंक वो टाइम पे जो स्टार्स थे वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज भी, जैसे यूसुफ साहब हैं वो पंजाबी बोलते थे, यू नो राज कपूर जी पंजाबी बोलते थे, तो उनके लिए थोड़ा नेचुरल था पंजाबी फिल्म करना. आई थिंक हम लोग के लिए शायद थोड़ा एफर्ट हो जाएगा. लाइक फॉर एग्जांपल पंजाबी इज़ नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज बट आई वुड लव टू डू इट. अगर मुझे कभी मौका मिले आप कभी बताना. मुझे याद है पाजी ने पहले भी एक बार मुझे बोला कि अगर कुछ हुआ. आपको एक अच्छी सी कॉमेडी लिखी है मेरे लिए, मुझे कॉमेडी करना बहुत पसंद है. हाँ इनसे पूछिए, अंदाज़ा अपना अच्छी की मैंने. इन्होंने पहले भी बोला था कि अगर कोई रोल होगा मुझे बताना. कॉमेडी में बहुत इंटरेस्ट है. बट हमने कोई चीज होगी ऐसी कि इनको लेके आना तो तब आएंगे. हाँ, जरूर जरूर मैं करना चाहूंगा. तो समीप जी जो मेरे लिए आपने बोला था वो फिर कैंसिल. अभी देखिए एक्चुअली आज तो हम लोग को सिर्फ कैरी ऑन जट्टा की बात करनी चाहिए. तो ये आप लोग क्यूरियस हो गए तो मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ. इस वक्त मैंने कोई फिल्म डिसाइड नहीं की है. इस वक्त मैं फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाह रहा हूँ
और उसी में मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वही मुझे करना है अभी. जब मैं इमोशनली रेडी रहूँगा फिल्म के लिए तब मैं करूँगा ज़रूर. मतलब थोड़ा टाइम मैं फैमिली के साथ बिताऊँ. लुक कुछ नहीं है. नहीं, वो अभी मैं शेव नहीं कर रहा हूँ, बाल भी काट नहीं रहा हूँ. नीचे कर देता हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा था. नीचे हो गई भाई. नहीं, उनको था कि पंजाबी फिल्म का ट्रेलर है, मुझे मुझे चाड़ के ऐसे करके रखते हैं पूरा, है ना, वो फील लेके आते हैं. हाय आप. इतना सब नहीं सोचा मैंने. एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे जब था, वो नाम का था, मैं आई टू हार्डली पोस्ट, तो यू नो आई वाज नेवर रियली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. इट्स नॉट, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग बाय द वे, बट इट्स जस्ट नॉट फॉर मी. सो या आप थ्री इडियट जैसी पिक्चर देखते हैं, दंगल देखते हैं, तो इससे देश का अगर माइंड सेटअप बदला जा सकता है, माइंड सेट बदला जा सकता है, तो एक गलत बनी हुई इमेज क्यों नहीं चेंज की जा सकती? तो हम लोग वही कोशिश करेंगे. हालांकि ये जो कॉमेडी आप देख रहे हैं ना, ये कॉमेडी है, ये लोगों को हंसाने के लिए होती है. इसमें हम कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, मैं आपको दावा करूँ कि हम लोग ऐसा रियल पंजाब इसमें दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग एक सीरियस एफर्ट दिखा रहे हैं आपको कि सिंसेरिटी और मेहनत से जब काम किया जाता है. तो सबसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, जिससे आपको लगे कि हाँ हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और चीज़ें चेंज हुई हैं. हम लोग जब लाफ्टर चैलेंज में फर्स्ट सीजन में हम लोग आते थे ना, तो जब मैं पगड़ी बांधता था वहाँ पे, तो सारा क्रू जो हैरान होता था कि आप पहले कपड़ा खोल लेते हैं, फिर इसको ऐसे पोनी करते हैं, फिर इसको ऐसे करते हैं. तो लोगों के दिमाग में था कि ये बनी बनाई आती है, उठाते हैं और ऐसे रखते हैं. तो हमने सबसे पहले बॉलीवुड को पगड़ी बांधना सिखाया कि पगड़ी कैसे बांधी जाती है. पहले रेडीमेड पगड़ियां यहां बनती थी तो बहुत फूहड़ लगता था वो सब. और अब लाल सिंह चड्ढा में जो पगड़ी आमिर साहब ने बांधी है, और रॉकेट सिंह में जो रणवीर ने जो बांधी थी, तो आप देखिए ना, जो अक्षय भाई ने जी करदा भी जी करदा, आपको खुद को पता चल जाएगा कि पगड़ी का क्या डिफरेंस है. तो हम लोगों ने पगड़ी से ये चेंज करना शुरू किया है. सब कुछ चेंज करेंगे, बताएंगे असल में पंजाब क्या है, असल में पंजाबी क्या है. थैंक यू.